नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल कृति क्रिएशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको 7 से 8 साल की बच्ची का एक बहुत ही प्यारा सा ड्रेस का डिजाइन दिखाने वाला हूं। यहाँ पे ये जो हमने डिजाइन बनाया है, ये बचे हुए फैब्रिक से ही हमने रेडी किया हुआ है। इसमें 2 सेट के हमने कपड़े यूज किए हुए हैं। ऊपर की साइड इस तरीके से हमारा ये डिजाइन होगा और यहाँ पे ये स्टेप लगे हुए हैं 2, और यहाँ पे भी हमारी इलास्टिक होगी, ये इलास्टिक है यहाँ पे, और कमर में भी यहाँ पे हमने इलास्टिक डाली हुई है। और नीचे की साइड का ये हमने घेर तैयार किया हुआ है बॉर्डर के साथ में। तो दोस्तों, बहुत ही प्यारी सी ये डिजाइनिंग है पूरी ड्रेस की। इसकी कटिंग कैसे करते हैं और कैसे इसकी स्टिचिंग की जाती है, पूरा इस वीडियो में मैंने एक एक पॉइंट करके आपको समझाया है। तो आइए सीखते हैं 7 से 8 साल की बच्ची की इस ड्रेस को बनाने का एक आसान सा तरीका। तो दोस्तों, जो आपने फ्रॉक देखी है उसे बनाने के लिए सबसे पहले हम मटेरियल जान लेते हैं, हमने यहाँ पे क्या क्या रेडी किया हुआ है और कैसे कैसे ये कटिंग किया हुआ है। देखिए, जो हमें लेंथ रखनी है यहाँ पे रखनी है 32 तैयार, तो यहाँ पे हमारी ये 32 इंच तैयार आ जाएगी। नीचे की साइड के लिए हमने यहाँ पे ये पट्टी ली है जो कि हम ऊपर से अटैच करेंगे यहाँ पे इस तरीके से। ऊपर की साइड हमने यहाँ पे ये पट्टी ली हुई है, 2 स्टेप यहाँ पे रखने हैं, एक इस साइड के लिए एक इस साइड के लिए। ये हमने यहाँ पे रेडी किए हुए हैं जो कि हम यहाँ पे हमें इस तरीके से अटैच करनी है। एक हमने यहाँ पे ये पीस लिए हुए हैं, 2 पीस फ्रंट और बैक के लिए, इस तरीके से फ्रंट और बैक में रहेंगे ये हमारे। इनकी जो चौड़ाई है यहाँ पे हमारी इस तरीके से लेंथ देखेंगे तो 8 इंच होगी, और जो इस तरीके से चौड़ाई की बात करें तो जितना हमारा यहाँ पे ये साइज है ये रखा है हमने 22 से 22.5 इंच का, क्योंकि हम 7 से 8 साल की बच्ची के लिए ये ड्रेस तैयार कर रहे हैं। जो फ्रॉक तैयार करेंगे, ड्रेस तैयार करेंगे, 7 से 8 साल की बच्ची के लिए तैयार करेंगे। तो उनका जो साइज मैं आपको बता दूं, 24 इंच छाती का नाप होता है बच्ची का और 23 इंच कमर का नाप होता है। तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, सबसे पहले ये ऊपर के पीस हम अलग कर देते हैं, और जो हमने फ्रंट बैक के लिए यहाँ पे ये कपड़ा लिया है इसका साइज नापते हैं यहाँ पे कितना है। तो ये एक पल्ला हमारा फ्रंट के लिए है, एक हमारा बैक साइड के लिए है। इस तरीके से हम चौड़ाई देखेंगे तो ये लिया है हमने 22 इंच, इस तरीके से हम लंबाई देखेंगे ये लिया है हमने 28 इंच। हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक निशान लगाएंगे ऊपर से 7 से 7.5 इंच पर, आधा इंच मार्जिन का आ जाएगा, 8 इंच पे लगा लेते हैं, और इस निशान को हम यहाँ पे 8 इंच पे ही इस तरीके से सीधा कर देंगे। ये हमने सीधा कर दिया है यहाँ पे, ये हमारा कमर वाला पॉइंट आएगा, जहां पे कमर का निशान आता है ये वाला, वो पॉइंट आएगा। अब हमें यहाँ पे डालनी है लास्टिक। तो लास्टिक जैसे मैंने बताया है, कमर का जो नाप है हमारा यहाँ पे 23 इंच है, तो उससे हम 1 इंच कम कर लेंगे, तो यहाँ पे हम इसको रखेंगे 22 इंच, इस तरीके से हमने 22 इंच का यहाँ पे कटिंग कर लिया है। इसके हम 2 भाग कर लेंगे कि एक फ्रंट के लिए और एक बैक साइड के लिए। तो ये 2 पीस जो हैं हमारे यहाँ पे आएंगे इस तरीके से, इसमें चुन्नटे आ जाएंगी। ये देखिए 2 भाग हो गए हैं। अब हमें ऊपर की साइड भी इलास्टिक डालनी है, तो ऊपर का जो नाप है हमारा, जो छाती का नाप है बच्चे का, वो है 24 इंच, तो हम यहाँ पे 23 इंच की इलास्टिक कटिंग करेंगे ऊपर के लिए, और ये पूरी राउंड में इकट्ठी हमारी डल जाएगी। ये हमने 23 इंच की इलास्टिक यहाँ पे कटिंग कर ली है। तो अब मशीन के ऊपर चलते हैं, और नीचे की साइड भी मैं बता दूं, साथ ही हम यहाँ पे पट्टी भी लगाएंगे, जो हमने 3 इंच की 3.5 इंच की पट्टी ली हुई है नीचे के लिए, ये हमारी नीचे के लिए पट्टी है। तो जो ये निशान है हम उल्टी साइड में उठा लेते हैं, यहां से जो रोंग साइड होती है इसमें हम यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि रोंग साइड में ही हमारी यहाँ पे ये इलास्टिक डलेगी। तो ये देखिए यहाँ पे भी हमारी ये आ चुकी है। तो मशीन के ऊपर चलते हैं,
और सीखते हैं कैसे इलास्टिक डालते हैं और कैसे इस फ्रॉक को तैयार करते हैं। देखो यहाँ पे इलास्टिक डालने के लिए ये इलास्टिक हमें यहाँ पे डालनी है और ये हमें दूसरे पीस में डालनी है, तो मैं एक पीस में आपको डाल के दिखाऊंगा। हमने यहाँ पे पट्टी लेनी होती है, ये पट्टी है तकरीबन 2 इंच चौड़ाई वाली, और इस पट्टी को हम यहाँ पे इस तरीके से ऐसे रखेंगे और फोल्ड करते हुए स्टिच करेंगे। निशान पे ही हमने यहाँ पे ऐसे रखते हुए जाना है और सिलाई लगानी है। तो एक साइड से जब हम इस तरीके से पट्टी अटैच कर लेते हैं तो दूसरी साइड में हमें यहाँ पे ये पट्टी इस तरीके से फोल्ड करनी है और यहाँ पे तकरीबन 1 इंच की या 1.5 इंच की रखते हुए तैयार दूसरी साइड भी यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। तो ये हमने सिलाई लगा ली है, यहाँ पे मेरा धागा टूट गया था तो मैंने दोबारा से ये स्टिच कर लिया है, तो ये पट्टी हमारी ऐसे लग जाती है। अब हमें डालनी है इसमें इलास्टिक, ये इलास्टिक है हमारी 11 इंच की, तो इसको हम एक साइड से यहाँ पे ऐसे इस तरीके से किसी भी, मैंने यहाँ पे पेंसिल ली है, किसी भी चीज से आप यहाँ पे इस तरीके से रखते हुए और अंदर की साइड ऐसे डाले ऐसे, और यहाँ पे दूसरी साइड में हम ऐसे ही इस इलास्टिक को निकाल लेंगे। इससे बहुत ही अच्छी चुन्नटें आती हैं और फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है इस तरीके से अगर हम इलास्टिक डालते हैं। इलास्टिक तो वैसे ऊपर से भी डल जाती है ऐसे ही हम सिलाई लगा ले, लेकिन उसमें इतनी अच्छी फिनिशिंग नहीं आएगी। तो ये देखिए हमने दूसरी साइड में इलास्टिक निकाल ली है। अब हमें जितना पे यहाँ पे मार्जिन रखना होता है उतना हम इलास्टिक को पीछे की साइड यहाँ पे करेंगे, तो हमने रखना है यहाँ पे 1 इंच का मार्जिन जो यहाँ पे साइड में मार्जिन आएगा, और इलास्टिक के ऊपर यहाँ पे निशान लगाते हुए ऐसे हम पक्का कर लेंगे, मतलब सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे सिलाई लगा ली है। सेम यही तरीका हम इस साइड में अपनाएंगे, यहाँ पे भी हम इलास्टिक को थोड़ा सा पीछे करेंगे और यहाँ पे जितना मार्जिन रखना होता है उतना लेते हुए यहाँ पे भी हम सिलाई लगाएंगे। इलास्टिक अच्छे से दबा लेंगे, यहाँ पे ये ध्यान रहे ये हमने इलास्टिक यहाँ पे दबानी है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कितनी प्यारी सी चुन्नटें आती हैं, ऐसे इसको खींचेंगे और ऐसे छोड़ेंगे तो ये देखिए अपने आप ही यहाँ पे कितनी प्यारी सी हमारी चुन्नटे आ गई है। सेम इसी तरीके से हमने दूसरी साइड का, जैसे एक हमारा फ्रंट बनेगा एक बैक साइड रहेगी, तो सेम यही तरीका हमने दूसरे पीस में भी अपनाया है। यहाँ पे भी हमने ऐसे ही चुन्नटे डाल ली है, ये देखिए इस तरीके से। अब हम यहाँ पे साइड जोड़ेंगे, ये जो साइड होगी यहाँ पे इसको हम इस तरीके से मिलाते हुए जितना भी मार्जिन हमने यहाँ पे रखना है, जैसे 1 इंच मैंने बताया था तो 1 इंच यहाँ पे मार्जिन रखते हुए साइड जोड़ेंगे। एक साइड हमने यहाँ पे जोड़ ली है, अब हमें लगानी है यहाँ पे पट्टी, नीचे की साइड की जो हमने पट्टी ली हुई है वो लगाएंगे। तो यहाँ पे नीचे हमें पट्टी लगानी है, तो उल्टी साइड में हम आधा से 1.5 इंच का मार्जिन लेते हुए
इस तरीके से पट्टी फोल्ड करेंगे और यहाँ पे ऐसे रखेंगे, बराबर मार्जिन लेते जाएंगे और यहाँ पे ऐसे सिलाई लगाते जाएंगे। पूरे राउंड घेरे में सेम इसी तरीके से हम यहाँ पे सिलाई को कंप्लीट करेंगे। अब हम यहाँ पे इसको सीधी साइड में ऐसे पलटेंगे तो ये देखिए हमारी इस तरीके से फिनिशिंग आ जाएगी यहाँ पे बहुत अच्छी सी, और नीचे की साइड भी बराबर फोल्ड लगाते हुए जितनी भी आपको पट्टी यहाँ पे लगानी है 2 इंच 2.5 इंच 3 इंच वो उस हिसाब से आप यहाँ पे फोल्ड लगाएं और ऊपर से सिलाई लगाएं। देखिए नीचे की साइड ये पट्टी हमने कंप्लीट कर ली है। तो ये देखिए जब हमारा बॉर्डर यहां से कंप्लीट हो जाएगा नीचे की साइड, तो हम नीचे से जो साइड होती है एक तो हमने यहाँ पे जोड़ ली है, दूसरी साइड भी हम ऐसे ही जोड़ लेंगे। तो इस तरीके से रखते हुए यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। हमने यहाँ पे ये साइड भी जोड़ लिया है। अब हम ऊपर का पार्ट यहाँ पे तैयार करेंगे। ये हमने कमर पे डाली है इलास्टिक, अब हम ऊपर का जो पट्टी है 7 इंच की वो यहाँ पे रेडी करेंगे। तो दोस्तों ये है हमारे पास पट्टी जो कि हमने यहाँ पे रखी है इस तरीके से 8 इंच की, और इसकी जो लेंथ लेंगे हम यहाँ पे पहले चेक करेंगे कितनी है इस सिलाई से, जो ये सिलाई लगाई है यहाँ से इस तरीके से नापेंगे तो ये हमारी 21.5 इंच की आ रही है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले इस पट्टी की लंबाई इस तरीके से 21.5 रखेंगे ऐसे, और यहाँ पे लगाएंगे सिलाई सीधी। यहां से 1 इंच का मार्जिन रखते हुए कटिंग कर लेंगे। अब हम इसको ओपन करेंगे यहां पे ऐसे, ओपन करने के बाद बीच से चीरेंगे इस तरीके से सिलाई को, और यहां पे ऐसे फोल्ड कर लेंगे जिससे कि धागे नहीं निकलेंगे। तो ये देखिए बड़ी ही फिनिशिंग से हमने यहाँ पे जोड़ लगा लिया है, सीधी साइड रहेगी हमारी ये। अब हम इसको अटैच करेंगे। अगर आपके पास यहाँ पे ये कन्नी नहीं है तो इधर तो कन्नी है, अगर कन्नी वाला पोर्शन नहीं है तो आप इसको ऐसे फोल्ड कर ले, अगर कन्नी वाला है तो ये बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम इस तरीके से रखेंगे और ये पट्टी का जो ज्वाइंट है ये कॉर्नर पे यहाँ पे मिला लेंगे सिलाई से ऐसे, और 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए यहाँ पे हमने पूरे राउंड में ये सिलाई लगा लेनी है और इसको जोड़ लेना है।
ये देखिए हमने यहाँ पे पूरे राउंड में ये सिलाई लगा ली है। अब जो ये है हमारा पोर्शन कुछ इस तरीके से आएगा आपको नजर ऐसे, तो इसको हम यहाँ पे ऐसे फोल्ड करेंगे। जो सीधी पट्टी है, जो ऊपर की पट्टी है, ये यहाँ पे ऐसे आएगी। आप चाहे इसको प्रेस से सेट कर ले, चाहे जैसे भी है, लेकिन ये हमारा ऐसे रहना चाहिए इस तरीके से। इसको हम प्रेस से अच्छे से सेट कर लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हमने प्रेस से यहाँ पे अच्छे से इसको सेट कर लिया है। प्रेस का यही मतलब होता है कि हमारी फिनिशिंग अच्छी आ जाए। अब हम यहाँ पे एक सिलाई लगाएंगे ऊपर से, तो ऊपर से हमें एक इंच का मार्जिन रखना है और यहाँ पे ये सिलाई लगानी है। सिलाई की जो शुरुआत करेंगे हम इस पॉइंट से करेंगे, यहाँ पे इधर से। आप कहीं से भी कर सकते हो, लेकिन अगर हम साइड से ही शुरुआत करते हैं तो ठीक रहता है। यहाँ पे हम इस तरीके से एक इंच का मार्जिन लेते हुए ये सिलाई पूरे राउंड में घुमा देंगे। हमने सिलाई की शुरुआत की थी उससे एक इंच पहले हम यहां पे इस सिलाई को रोक देंगे। ये हमने इसलिए रोकी है क्योंकि हमें डालनी है यहां पे लास्टिक। तो लास्टिक डालने के लिए हमने यहां पे पिन यूज करनी है, और जो हमने लेंथ कटिंग की थी लास्टिक की 23 थी। इसमें हम यहां पे ये लास्टिक सेफ्टी पिन की मदद से डाल देंगे, और ये डालने का यहाँ पे ये जो यहाँ पे होगा स्पेस हमारा यहाँ पे आएगा इस तरीके से। ये देखिए ये वाला, यहाँ से हम एक साइड में कोई सी भी साइड को शुरुआत करेंगे और पूरी राउंड में ये पिन को घुमा देंगे। तो यहाँ पे हम उसी पॉइंट पे आ चुके हैं, और ये देखिए पिन हमने यहाँ पे ये निकाल लिया है ऐसे। अब हम इनको आपस में जोड़ देंगे। एक चीज का आपको ध्यान रखना है, जब हम इनको जोड़ते हैं तो ये लास्टिक घूमे ना, बिल्कुल सीधी रहे इस तरीके से ऐसे। ज्वाइंट करने के बाद अब हम इसको अच्छे से ऐसे सेट कर लेंगे खींच के। तो ये देखिए लास्टिक हमारी बिल्कुल सही तरीके से डल चुकी है। अब जो ये वाला पोर्शन होता है, जो गैप है, इसको भी हम यहाँ पे इस तरीके से स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे लास्टिक भी डाल ली है। अब हमें यहाँ पे ऊपर की साइड लगाने हैं स्टेप। तो जो सेंटर पॉइंट होता है ये बना लेते हैं, यहाँ पे हमारा ये सेंटर पॉइंट है। इससे हम 2 इंच इस साइड में ये स्टेप लगाएंगे, और 2 इंच इस साइड में ये वाला स्टेप लगाएंगे। और इस तरीके से जब हम स्टेप यहाँ पे लगा देंगे तो हमारी फ्रॉक यहाँ पे ये रेडी हो जाएगी। तो ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे ये ऊपर की साइड दोनों स्टेप लगा लिए हैं, और जो इनकी लेंथ रखी है हमने यहाँ पे ये 4.5 इंच की तैयार रखी है। 4.5 इंच का हमारा ये वाला स्टेप तैयार है, और 4.5 इंच का ये, और जो बीच का गैप रखा है हमने यहाँ पे 4 इंच का रखा है, मतलब सेंटर पॉइंट से 2 इंच इधर और 2 इंच इधर, और फ्रंट बैग में यहाँ पे फिनिशिंग के साथ में हमने ये अटैच कर दिए हैं इस तरीके से। और आप देख ही रहे होंगे कितनी प्यारी सी शेप हमारी यहाँ पे आई है ड्रेस की। और मेन चीज है यहाँ पे ये चुन्नटे, आप देख रहे होंगे कितनी प्यारी सी चुन्नटे हैं, और यहाँ पे भी ऐसे ही आएंगी इस तरीके से। बहुत ही प्यारी सी यहाँ पे हमने शेप बनाते हुए
फ्रॉक का डिजाइन रेडी किया है, आप देख ही रहे होंगे। तो दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को शेयर व लाइक जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।